अगर पंचायत पेंड्रा में लगातार हो रहे राजनीतिक परिवर्तन से अब कोई भी अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। नगरीय निकाय चुनाव में 15 वार्डों में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4, जोगी कांग्रेस को 4 वार्डों में सफलता हासिल हुई है और 3 वार्डों में निर्दलीय जीते थे, जिसके बाद अध्यक्ष पद के लिए खींचतान लगातार बनी हुई है। कल 3 निर्दलीय पार्षदों के साथ जनता कांग्रेस जोगी के वार्ड क्रमांक 8 के विजयी पार्षद शहीद राइन ने बीजेपी जिला अध्यक्ष बिलासपुर के सामने बीजेपी प्रवेश किया था, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जोगी कांग्रेस के निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। कल बीजेपी कार्यालय में उन्हें सम्मान के लिए बुलाया गया था और उन्होंने बीजेपी प्रवेश नहीं किया है। ये बयान आने के बाद बीजेपी के पास फिर से 7 पार्षद रह गए हैं, जो बहुमत के आंकड़े से अभी भी एक कदम है। मुझे विगत 3 बार से वार्ड क्रमांक 8 की जनता के द्वारा जो जनादेश दिया जा रहा है, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं और मैं अपनी जनता का सदैव ऋणी था और रहूंगा। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे 3 बार जीतने के उपलक्ष्य में सम्मान किया गया है, न कि मैंने किसी भी प्रकार की सदस्यता ली है।